मजदूर एकता जिंदाबाद। सारे ने हाथ खड़े करके जज्बा दिखाना, जोर दिखाना, नरेंद्र मोदी के कान बोले करने, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, देश मोहब्बत जिंदाबाद, काले खेती कानून रद्द करो, काले खेती कानून रद्द करो। हाँ जी, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। भाई मैं 7 मिनट लेने हैं, मैं पहला भी बोल के गया, मैं थोड़ी बेनती कर रही हूँ सत्संग पिछे सरार अवतार सिंह जी नू भी, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर व्यापारी एकता, किसान मजदूर व्यापारी वकील एकता, कारपोरेट सेक्टर हाय हाय, कारपोरेट सेक्टर हाय हाय, किसान एकता। तोमर नू कंगड़ा नू मोदी नू सुननी चाहिए है, किसान एकता। भाई जी, मेरा नाम बिपन कुमार धीर, रिटायर्ड जिला अटॉर्नी, मेरे नाल मैं डिस्ट्रिक्ट बारिश से लुधियाना, मेरा पिंड दीना कंगड़ जिथों श्री गुरु गोबिंद सिंह ने जफरनामा लिखा। पहला भी मैं यही बोल के गया सी, मेरे दसम पिता भगवान अकाल पुरख उदों असी केंद्र सरकार नू एक किसानां दे महापंचायत दे सारे देश दे समुचे किसानां दे राहीं जफरनामा भेजा सी। बई ये चंगी गल नहीं केंद्र सरकार वास्ते, सो अर्ज है भी तुसी लैक्चर सुन सुन के, तकरीरां सुन सुन के होर तरह का मन हो जाता है, जोश विच होश भी चाहिए। उस मुद्दे नू लैके मेरे नाल साडे सीनियर वकील आर एस मंड साहब ते नाल गुरप्रीत सिंह सहोल ते नरेंद्र आध्या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लुधियाणा दे असीं वकील हैं। मैं 12/12/2020 नू पबलिसिटी नहीं करन आया, मैं कह के गया सी मेरा तन मन धन मेरी जमहूरीयत पार्टी है, इंसानियत पार्टी है, किसानां दी पार्टी है। तुसी बड़े तकरीरां सुनिया, मैं क्या बेनती की, मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना क्योंकि मैं दिलां दे विचार एक गीत दे राहीं, अजीत ते जजार बड़े जोराबर ते फतेह सिंह छोटे, तारियां ने रो रो पुछिया किथे गए ने जिगर दे टोटे, तूड़ू दे चरना दी लोकां चुम के मथे नाल लाई, चन माता गुजरी दा सुता कंडियां दी सेज बिछाई, सीने नाल तेग ला लई जदों याद पुत्रां दी आई, चन माता गुजरी दा सुता कंडियां दी सेज बसाई, सुता कंडियां दी सेज बसाई। मेरी मुराद है छोटे साहबजादे जोरावर ते फतेह सिंह, मैं अर्ज कर रहा सात संगत जी, तुसीं पंचायत महम पंचायत राबों माता महिंदर कौर दे चरण पए हुए दिल्ली दे विच, इस करके मेरी मुराद की है भी साडे अकाल पुरख दे साहबजादे जोरावर ते फतेह सिंह उन्होंने किन्ना सिदक रखिया, किन्नी हलीमी रखी, जिन्नी साडी किन्नी शांति रखी, सानू की दस्या, सानू की राह दर्शाया, सूबा सरहंद नू भी असी किस तरह पकारिया बगारिया चैलेंज किया। सो गल की है वैसे उन्नी शांति दे नाले साडा जिहड़ा किसान अंदोलन है वह असी तोरना है, और ये पहला भी चलता रहा, हुण भी चलता रहना ते फिर भी चलता रहना। इंटैलीजेंसी ब्यूरो वाले गल नू पड़चोल करनगे, मेरा नाम बिपन कुमार धीर है, मैं केंद्र सरकार की दोगली नीति बारे पहला भी बोल के गया सी, एक किसान पंजाब दे किसान मेरे भरा जिमीदार पंजाब भरा
और अपने यूपी के किसान, महाराष्ट्र के किसान, राजस्थान के किसान, चंडीगढ़ के किसान, जिन्हें भी किसान भरा ने, समुचे पंजाबियों का मोर्चा है, ये संयुक्त किसान मोर्चा है, पिछों हुक्म होया। लेकिन मैं करनी करनी गल मानी भी जिहड़ा शांतमय अंदोलन किवें है बई साडे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी, मैं शुरू च कहा सी जोश विच होश भी चाहिए, उन्होंने 1917 दे विच देश नूं आजाद कराउण वास्ते सत्याग्रह किया। और अपने जिहड़ा 11 मार्च 1930 नूं, 12 मार्च दूजे दिन 1930 नूं डांडी मार्च किया गया प्रधानमंत्री दी स्टेट च साबरमती आश्रम तो अपने जिहड़ा हैगा डांडी तक पिंड तक 240 किलोमीटर दूर, और उहदे च 78 अपने व्यक्ति नाल गए सीगे आज़ादी घलाटिए श्री महात्मा गांधी जी दे नाल, जिवें कि हुण साडे 40 जथेबंदियां जो अपने जिस तरह उहनां नाल तां असीं बराबरता नहीं कर सकदे अकाल पुरख दे नाल, पर इह 40 जथेबंदियां जिस तरह हुण चलियां होईयां ने, उन्होंने 1917 तो लैके 1931 नूं श्री महात्मा गांधी जी नूं शांतमय अंदोलन चलाउण दे बावजूद भी गिरफ्तार किया गया। मैं थोड़े साध संगत दे चरणां च की कहना है, मैं जदों घर तुरिया कई वकील नहीं जी आए हैं जी, मैं जी कुछ भी होवे जे उन्हां नूं राष्ट्रपिता नूं गिरफ्तार किया जा सकता कोई गल नहीं। उस तो बाद 30 साल शांतमय अंदोलन चलिया और कुट इंडिया मूवमेंट 1942 दे विच श्री महात्मा गांधी जी ने फिर उहदे च अपने जय जवान जय किसान का नारा लाया, जिहड़ा कि सानू अपने मुस्लिम फ्रीडम फाइटर जैन उबी अधीन ने दिता। तो जय जवान का नारा श्री सुभाष चंद्र बोस उन्होंने 1941 दे विच ये सानू नारा दिता, बाद विच जय जवान जय किसान का नारा बनिया। सो मेरी अर्ज की है भी जिवें साडे साहिबजादा जोरावर ते फतेह सिंह वो नीहां चनाए गए, मैं उस पिंड का जिथों जफरनामा लिखा श्री गुरु गोबिंद सिंह ने, इस करके उन्होंने किन्नी हलीमी दे नाल सानू दस्या भी केंद्र सरकार असी सारा कुछ जानते हैं, असी तेरे अत्याचारां नूं ते जालमां नूं उन्हां दा टाकरा करना शांतमय ढंग दे नाल भी जानते हैं, ते वह भी वेला आऊगा जदों तेरा पापां दा घड़ा नको नक भर जाऊगा। सो मेरी अर्ज यह है बी मैं नमन करदा भारतीय किसान यूनियन अपने संयुक्त किसान यूनियन मोर्चे के 40 जथेबंदियों नूं, विशेष तौर पर श्री राकेश टकैत जिन्हां दा किसान दा आंसू, बलवीर सिंह राजेवाला उन्हां दा आंसू, साडी माता महिंदर कौर दा आंसू, साडे आ भैणां मेरियां जिहड़ियां बैठियां ने, बच्चे बैठे ने, शहादतां जिन्हां ने शहादतां दित्तियां किसानां ने, उन्हां दा जिहड़ा हैगा अपने उन्हां नूं असीं बार बार नमन करदे हां। और जिहड़े किसानां दे उहदे साडे इक वकील साहब भी सी जिन्हां ने अपने शहादत दित्ती, उन्हां दीआं शहादतां दे सिर ते जिस तरह साडे चार साहिबजादिआं ने मैं शुरू कीती सी, अजीत जुझार बड़े जोरावर ते फतेह सिंह छोटे तारिआं ने रो रो पुछिआ कित्थे गए ने जिगर दे टोटे, वो साडे चारां साहिबजादिआं ने ते दसम पिता ने एक चानण मरारा बन के दुनिया दे विच अपने एक साडा धर्म खड़ा किया। और उन्होंने दस्या भी ये खालसा वो कौम है, ये खालसा का मतलब जिहड़ा भी कोई चंगे काम करता है, अच्छे काम करता है, धर्म ते खड़ता है, ये वो कौम है जिन्हों कोई भी अत्याचार या जालम जुलम उन्हों हटा नहीं सकता, डरा नहीं सकता। आपां शांतमय ढंग दे नाल अपना यह जारी रखना है, पहला भी जारी रहा, हुण भी जारी है, फिर भी जारी रहेगा। तो असी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसीएशन लुधियाणा के वकील तन मन धन तो थोड़े नाल थोड़े चरणों की धूड़ है, असी हमेशा दे नाल थोड़े नाल खड़े हैं। गज के बोलो किसान एकता, किसान एकता, किसान मजदूर एकता, किसान वकील एकता, किसान एकता, जय हिंद। एडवोकेट साहब नो बेनती है कि पिछे बैठ जाना, जे हले साडे एडवोकेट इंद्रजीत कौर लुधियाने तो ने, क्योंकि वो लेडीज इक्को ही ने, उन्होंने मैं प्रोफरेंस दिना, वो पहला आके बोलन एडवोकेट इंद्रजीत कौर। तो बेनती है कि बैठ जाओ, तो साडे सूबे दे लीडर जिहड़े जिन्हां दी उम्र 70-70 साल है।